कपिल का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो भले ही आज लोगों को हंसाने में कामयाब है, लेकिन शो के गोल्डन डेज वही थे जब कपिल शर्मा कप्पू के किरदार में और सुनील ग्रोवर रिंकू भाभी तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर स्टेज पर नजर आया करते थे। ये दोनों जब एक साथ थे तो उनका शो हिट कहा जाता था, लेकिन इसी बीच कपिल और सुनील में झगड़ा क्या हुआ, शो की टीआरपी भी गिरने लगी और कपिल के डिप्रेशन में जाने की खबरें भी आने लगी। इसके बाद कपिल ने खुद के साथ साथ शो को संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर की कमी तो लोगों को खलती ही थी। दरअसल हाल ही में सुनील ने एक ट्वीट किया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। बताते चले कि सुनील ने लिखा था, सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए हमेशा दूसरों के आभारी रहो, यही मूल मंत्र है। और हाँ, खूब हंसो, बाकी मेरे हस्बैंड मुझको। जैसे ही सुनील का ये ट्वीट सामने आया, लोगों ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि ये इशारा है कि वो वापस आ रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सुनील ग्रोवर सर आपके एक्ट्स को बहुत मिस करते हैं, ऐसे कौन करता है भाई, कैसा लगा मेरा मजाक, प्यार नहीं करते। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, यू आर ग्रेट सर, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट प्लीज कम बैक सर, अ गुड हार्ट इज वेटिंग फॉर अनदर गुड हार्ट। तो देखा आपने, सुनील के एक ट्वीट से लोग कितने खुश हैं। बता दें कि कपिल और सुनील के बीच झगड़ा एक फ्लाइट से शुरू हुआ था। खबरें आई थी कि उस रोज कपिल शर्मा फ्लाइट में नशे में थे और उन्होंने सुनील की तरफ जूता फेंका था, जिसके बाद सुनील काफी नाराज हुए थे और उन्होंने कपिल का शो छोड़ दिया था। वेल, फिलहाल की खबरों को देखते हुए तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कॉमेडी के ये दोनों आइकॉनिक्स शो में एक बार फिर साथ आ जाएं। वैसे आप सुनील ग्रोवर को शो में एक बार फिर देखना चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ब्रांड विजन ने आज मुझे भी सपोर्ट के लिए चुना है, सो थैंक यू सो मच टू ब्रांड विजन एंड नेक्स्ट ब्रांड। थैंक यू। आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ऑफकोर्स आई एम हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने इतना प्यार दिया, और बिकॉज उनका वो जो इंतज़ार था, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भी इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी हम लोग टीवी पे वापस आएँ, और बहुत ही प्यार दिया है सब ने, और टचवुड शो इज़ डूइंग वेरी वेल, सो थैंक यू सो मच। ये सवाल उनसे पूछो जिनकी शादियाँ नहीं हुई। मेरा क्या, मेरा हो गया अभी काम। अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं स्पेशल क्या करने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, एक्चुअली हम लोग शूट ही कर रहे हैं उस दिन भी, पर कोशिश करेंगे कि मैं भी थोड़ा रोमांटिक हो पाऊँ। ऑन स्क्रीन तो बहुत रहता हूँ लोगों के साथ, तो अपनी बीवी के लिए भी अगर कुछ स्पेशल कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर एक्चुअली, सो वो तो मैं हूँ ही। थैंक यू। नहीं, मैं देख नहीं पाया, सॉरी, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। नहीं, लेकिन वो रिलीज़ हो चुकी ना, शायद उसके पहले आते हैं प्रमोशन के लिए। अब पर उन्होंने मेरे ख्याल से प्रमोट किया ही नहीं, कहीं पे भी वो गए नहीं शायद। सब चैनल की तरफ से आप ही हो? जी, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मेरा एक कनेक्शन भी है बिकॉज इज ऑल्सो फ्रॉम अमृतसर, और दूसरी बात यह है कि मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ पे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पढ़े हुए हैं, तो उनको मिलके बड़ा अच्छा लगा, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी बड़े सालों से, तो मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक मौका ही नहीं दिया मुझे देखने का। हाँ, सामने यहाँ से देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और रेस्टोरेंट देखने में पहले अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा खाऊंगा फिर देख बताता हूँ कैसा। मुझे तो माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, लेकिन माँ को मतलब रोज़ खाना मतलब पॉसिबल नहीं होता खाना, तो बाहर भी अच्छा लगता है, लेकिन
कलोनियल पैलेट, ये बोलने में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगा मुझे। आज क्या खाने वाले हैं मतलब मैडम, आप इन्हें आज क्या कुछ स्पेसिफिक खिलाने वाले हैं? मुझे पता नहीं अभी यहाँ का मेन्यू क्या है, तो मैं मेन्यू देखूंगा फिर। मेन्यू में क्या क्या है? एवरीथिंग हेल्दी, ह्यूमरस एंड हेल्दी। खाना खा के हंस जाएगी, सो मैं ऑफकोर्स देखूंगा कि कैसा है खाना, उसके बाद बताता हूँ। भारत की सफलता की अगर हम बात करें तो हमने देखा एक पिक्चर आपकी देखी, आप समुंदर में नहाकर काफ़ी नमकीन हो रहे थे, ज़रा बताइए कि कितना एंजॉय किया समुंदर में नहाने में? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए आपने कितना एंजॉय किया। समुंदर में नहाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और पता नहीं समुंदर को कितना अच्छा लगता है, मच्छियों को कितना अच्छा लगता है, इसका अंदाज़ा नहीं है। ऑफकोर्स हैप्पी दैट लोगों ने पसंद किया भारत को, और मुझे बहुत खुशी है उसकी सक्सेस के साथ। आने वाले दिनों में और हम आपकी क्या कुछ, मैं अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, मैं जल्दी जैसे डिसाइड होता है मैं आपसे शेयर करूँगा, बहुत जल्दी शेयर करूँगा। अभी फिलहाल आई थिंक कुछ दिनों में मैं आपसे शेयर करूँगा डेवलपमेंट, जो भी आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, इन दिनों हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ का बहुत ट्रेंड है, लोग वेब सीरीज़ में भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सारे सवाल आप ही को आते हैं आपसे सीखा है, आपका शो देखिए। अच्छा, तो आप बताइए कि वेब सीरीज़ में भी हम आपको देखेंगे लाइक ऐसे कुछ? जी, वेब सीरीज़ बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ मैं भी अच्छा करूँगा इंटरनेट स्पेस पर, पर अभी तक कुछ ऐसा है नहीं ऑन द कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू जी मेरे लिए, थैंक यू। आप लोगों ने खाया खाना? हाँ आओ खाना खाते हैं इकट्ठे, थैंक यू। हाँ भी ब्रदर, ऐसा कहते हैं कि सलमान खान सबके